उसके लिए जान दे सकता हूं, तू दे सकता है, तो आ आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। क्या इस बार फिर दिखेगी एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली स्टोरी? क्या अजय और सुनील होंगे आमने सामने? कौन कर सकता है दिलवाले 2 को डायरेक्ट? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। विक्रम इस असमंजस में है कि क्या सच में अरुण ने नहीं मारा था सपना को? क्या वो उसकी मदद कर पाएगा इस बार? 1994 में आई सुनील शेट्टी और अजय देवगन की दिलवाले ने हमें एक क्राइम थ्रिलर और काफी एंटरटेनिंग कहानी दिखाई थी। अजय का एक मेंटल किरदार और सुनील का पुलिस वाले का किरदार काफी आइकॉनिक था और जिस तरह से मर्डर मिस्ट्री क्रिएट की गई थी वो यूनिक था। अब जब हम इस फिल्म के रीमेक की बात कर रहे हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार भी हमें एक ऐसी ही मर्डर वाली कहानी दिखाई जा सकती है। पूरी फिल्म में हमें विक्रम यानी सुनील मर्डर केस को सॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट ये है कि विक्रम अरुण यानी अजय के फेवर में नहीं बल्कि उनके अगेंस्ट हैं। साथ ही अजय एक एंटी विलेन कैरेक्टर में है जो पागल होने का नाटक कर रहा है और इस बात का पता विक्रम को चल गया है, मर्डर हुआ है ये बात तो तय है, लेकिन उसे अरुण ने नहीं किया है और उसे फंसाया जा रहा है ये बात भी तय है, लेकिन विक्रम के हिसाब से अरुण ने ही मर्डर किया है और उसे किसी भी तरह मेंटल हॉस्पिटल में भागे अरुण को पकड़ना है और जिसने ये मर्डर होता हुआ देखा है यानी कि इस मर्डर मिस्ट्री की सोल विटनेस, उसे फिल्म के विलन ने पकड़ रखा है जिसकी तलाश करने अरुण निकलता है। क्या विक्रम ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर पाएगा? क्राइम थ्रिलिंग फिल्म्स जिसमें रोमांस और कॉमेडी का हल्का सा टच हो वो फिल्में दर्शकों को काफी पसंद आती है और दिलवाले भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। ऐसी फिल्मों को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि देखने वालों को एंड तक ये पता ही नहीं चलता कि आखिर कातिल कौन है और उसने ये मर्डर कैसे किया था। अजय के करियर की ये दूसरी फिल्म थी और उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म में ही एक कॉम्प्लिकेटेड साइको होने का किरदार निभाने का डेयरिंग किया था और सुनील शेट्टी को वर्दी पहने हुए केस सॉल्व करते हुए देखना फैंस को काफी पसंद आता है। सुनील को अक्षय के लिए हमने उनके प्यार को कुर्बान करते हुए देखा, उनकी मदद करते और उनका ख्याल रखते हुए तो दिलवाले में देखा, लेकिन अब उनका सामना करते हुए, उनके साथ लड़ते हुए और उसे पकड़ते हुए हम दिलवाले 2 में देखेंगे और ये देखना काफी दिलचस्प होगा जब दो बड़े एक्शन हीरो एक साथ टकराएंगे। दिलवाले फिल्म को डायरेक्ट हैरी बावेजा ने किया था और अगर हम दिलवाले के रीमेक की बात करें तो इस फिल्म को अजय के सबसे अच्छे दोस्त रोहित शेट्टी रिक्रिएट करना चाहेंगे या तो अजय की ये मेमोरेबल फिल्म वो अपने ही प्रोडक्शन हाउस में बनाना पसंद करेंगे। क्या आप दिलवाले फिल्म का रीमेक देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।